अगर आपके गांव का प्रधान ईमानदार है, विकास करना चाहता है, उसके पास विजन है, तो बजट की कोई कमी नहीं है। वो चाहे तो पंचायत के पैसे से ही गांव की तस्वीर बदल सकता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, कई ग्राम प्रधानों ने ऐसा किया है। ऐसे ही एक ग्राम प्रधान है अमित। अमित बुंदेलखंड के अति पिछड़े इलाकों में शामिल जालौन जिले की ग्राम पंचायत मलकपुरा के ग्राम प्रधान है। महज 8-9 महीने में उन्होंने अपने गांव में ऐसे कई काम कर दिए हैं कि गांव वाले उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं से किसान परेशान होकर रात रात भर पहरा देते हैं। इस दौरान मलकपुरा के किसान रात में चैन से सोते हैं, क्योंकि सारे छुट्टा गाय साढ़ पंचायत की गौशाला में पहुंचा दिए गए हैं। गौशाला का ये इंतजाम बताता है कि अमित की सोच क्या है, उनका विजन क्या है। प्रधान बनने के लिए अमित ने दिल्ली में प्रतिष्ठित संस्थान NDTV जैसे चैनल में शानदार नौकरी छोड़ी है, क्योंकि वो अपने गांव, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। देश के दिग्गज मीडिया संस्थान IIMC से पढ़े लिखे अमित कई पत्रकारिता संस्थानों में नौकरी के अलावा देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने इस दौरान जो कुछ सीखा है, समझा है, वो अपने गांव में उतारना चाहते हैं। अमित से मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि काश आपके गांव का प्रधान भी ऐसा ही होता, जो सबको ये बताता कि गांव में कितना बजट आया है, कितने लाख रुपए कहां पे खर्च हुए हैं और कहां पर खर्च होने हैं, गांव में अगला कौन सा काम होना है। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के उनको फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए किसानों की पसंद के अनुसार। तो इनके दो उद्देश्य होते हैं, एक तो पर्यावरण संरक्षण और दूसरा किसानों को उनकी आमदनी में थोड़ा सा इजाफा दिलवाना। हमका पूरा गांव खोर से बढ़िया काम किया, डॉक्टर कलाम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा गांव, यानी ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता। काम कर रहे हैं तो काम ने काम आ जाता, काम ने करो ही नहीं है। अपनी ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में मैंने इस समय लगभग 8 से 9 सोकपिट इस टाइप के बनवाए हैं और कोशिश है कि बूंद बूंद पानी का संरक्षण किया जा सके। ये सब चीजें असफलताएं सफलताएं तब तक, जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी ना प्रशासन में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वरना फिर वृक्षारोपण महज एक सरकारी कार्यक्रम बन जाता है, सरकार लगाती है, सूख जाते हैं, संख्या पूरी होती है और फिर रिकॉर्ड बनते हैं कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगाए और उतने करोड़। जैसे इसमें अधिकतम जो पेड़ हैं वो आम के हैं, जिनको मैं बलियाबाद से लाया था। कुछ पेड़ कटहल के भी हैं, जामुन के भी हैं। ये किसानों की पसंद से पेड़ लगाए गए हैं और ये ग्राम पंचायत में लगभग 1.5 से 2.25 किलोमीटर की दूरी में लगे हैं सड़कों के दोनों ओर। और हमारी ये कोशिश थी कि जब तक इनकी सुरक्षा अगर नहीं होगी तब तक पेड़ लगाने का कोई मायने नहीं है। तो पूरी सुरक्षा के साथ लोहे के ट्री गार्ड लगाए गए हैं। इनको इनमें पानी देने के लिए एक डेडिकेटेड वाटरिंग व्हीकल है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को पानी देने के लिए ही बनी हुई है। मेरी ग्राम पंचायत गांधी जी की ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम के पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ग्राम स्वराज में हमारा जोर स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है और उन चीज़ों को उपयोग को से अपने आप को रोकना है जो पर्यावरण के लिए घातक हैं। तो मेरी कोशिश है कि ग्रामीणों को, जो मेरी ग्राम पंचायत के हैं, वो छोटे छोटे कामों के लिए पास के नगर या कस्बों में न जाना पड़े, उनके सारे काम ग्राम पंचायत में गांव में ही पूरे हो जाए। कोनो काम में कमी नहीं है, ना किसी से लेना है ना देना है, जो काम कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। ना कोनो शिकायत है प्रधान की तरफ से, बहुत अच्छा हो रहा, सफाई साफ सब जगह, दुकान पे भी रखवा दे, मतलब हाँ सब जगह, ऐसी कोनो प्रधान की तरफ से कमी नहीं हो रही गाँव में। क्या कह रहे थे, पेड़ बहुत सुंदर लगवाए, 50 साल बाद तक भी लड़का याद कर रहे हैं पौधे लगवाई। ये सब प्रधान जी लगवाए हैं? प्रधान जी ने लगवाए हैं जी,
और यूपी की मानी भाई नर्सरी के हैं। काम तो बढ़िया करवा रहे हैं प्रधान जी, जैसे जैसी जहाँ जरूरत वैसा काम होता जा रहा है। बढ़िया, ये इंटरलॉक कर गया, नालियों की सफाई, गांव की सफाई। ये गुलमोहर की ग्रोथ जो होती है बहुत तेज होती है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अगर वो कम समय में बहुत तेज ग्रोथ चाहते हैं किसी पौधे की जो वृक्ष बन जाए, तो गुलमोहर लगाइए। इसको मैंने बमुश्किल 12 इंच या 18 इंच का पौधा था ये, और देखिए ये 7-8 महीनों में, ये सितंबर में लगा था, सितंबर पहले सप्ताह में, और देखिए इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है। और फिर मैं आपसे जिक्र कर रहा था पूरा का, तो ये है वो पूरा का कॉन्सेप्ट। और फिसल मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब, तो उन्होंने एक सपना देखा था 90s में, ये 90 के दशक की बात है। और उनका जो सपना था वो था कि ग्रामीण क्षेत्रों से कैसे लोगों का पलायन रोका जाए कस्बों में या शहरों की तरफ, और इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का। उसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं। जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लोग चले जाते हैं नगर कस्बों में, पहले वो थोड़े थोड़े काम के लिए जाते हैं, फिर वो वहीं बस जाते हैं, तो उनकी कोशिश थी कि गाँव में ही उनको वो सुविधाएँ मिले। मैंने कोशिश की है बैंकिंग सेवाओं से, हफ्ते में एक दिन अभी बैंकिंग करस्पोंडेंट आता है, जो भी जमा निकासी या नया खाता खुलना है, सुकन्या समृद्धि योजना है या और भी काम इस टाइप के, तो वो यहीं पूरे हो जाते हैं, लोगों को जाना नहीं पड़ता। इसके अलावा मेरी कोशिश है जो अन्य तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, तो उसके लिए भी लोगों को पास के नगर या कस्बों में न जाना पड़े। और सप्ताह में उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं, जैसे अभी कार्ड बन रहे थे, श्रमिक कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, मैंने कोशिश की कि यहीं पर एक लोगों को, संबंधित लोगों को बुलाया जाए और यहीं पर सारी औपचारिकताएं पूरी करवा दी। देखिए बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या है, खासकर गिरते हुए भूजल की समस्या। तो मैंने जब ग्राम प्रधान बना तो इस समस्या पर काम करना मेरा एक तरह से प्राथमिक उद्देश्य जैसा था, और ये उन कामों में से सबसे पहले कामों में से हैं जिनको मैंने प्रधान बनने के बाद कराया। और अपनी ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में मैंने इस समय लगभग 8 से 9 सोख पे टिस्ताई के बनवाए हैं, और कोशिश है कि बूंद बूंद पानी का संरक्षण किया जा सके। कुछ सोख पे पुराने थे जो पूरी तरह से एक तरह से मिट्टी से भर चुके थे, तो मैंने फिर उनकी सफाई करवाई, और जो नए बनने थे वो नए बनवाए। अभी जितने भी इस टाइप के हैंडपम्प हैं जहाँ पर भूमि की उपलब्धता आसानी से, मैंने पूरी संभावना से सोख पेट बनवा दी। अब मेरी कोशिश है कि गांव के अंदर जल संरक्षण के इस प्रोजेक्ट को ले जाया जाए, और इंडिविजुअल लोगों के, मतलब लोगों से कहा जाए कि उनके घर का जो पानी निकल रहा है वेस्टेज, उसको भी हम भूजल संरक्षण के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो उसे अगर खुद भी सक्रियता से अगर आवारा गोवंश की वो देखरेख करता है, तो फिर हमने देखा है कि ग्रामीण भी मदद करते हैं। फिर अगर एकाध गाय, आवारा गाय कहीं होती भी है तो वो सूचना दे देते हैं, तो हमारे जो गौचर हैं वो उसको लाते हैं। लेकिन सबसे पहले पहल ग्राम प्रधान को ही करनी पड़ेगी। जिस राशि का भुगतान प्रशासन की तरफ से किया जाता है, पूरी ईमानदारी से उसको खर्च करना होगा, और वो राशि सफिशियंट आती है, पर्याप्त है वो राशि संख्या की दृष्टि से। बस ये है कि जितनी संख्या हो उतनी की अगर पूरी राशि आए तो मोर देन सफिशियंट फिर मैं कहूँगा, लेकिन वो कम आती है, कम संख्या के अनुसार, तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी। अब मेरी ये गौशाला अस्थाई गौशाला है, यहाँ पर थोड़ी सी एक है, तो हमें जो राशि मिलती है वो साल के 12 महीनों के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मिलती है। अगर मुझे ये राशि पूरे 12 महीनों के लिए मिले तो मैं कुछ और भी यहाँ सुविधाएं लगा सकता हूँ, जैसे चारे काटने की मशीन है वो मैं यहाँ पे एक परचेज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर सफाई कर्मियों की नियमित नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास अस्थाई होने के कारण संसाधन सीमित है, थोड़ा सा हो सकता है अभी गंदगी भी दिख रही हो, लेकिन चूँकि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही सफाई हम लोग करवा पाते हैं, क्योंकि उनकी भी, उन्हें भी दूसरी जगह सफाई करनी होती है, तो ये कुछ कमियाँ हैं जिन्हें अगर इनको अस्थाई से स्थाई गौशाला अगर बनती है तो इनको सुधारा जा सकता है।
आप देखेंगी इस इलाके में बुंदेलखंड में समस्या होगी, उत्तर प्रदेश में समस्या है आवारा जाम की, लेकिन यहाँ पर अब आधी आधी रात को ऐसी कड़कती सर्दी में लोगों को अपने किसानों को अपने खेतों की रक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप देखेंगी तो रात में रुकना तो छोड़ दीजिए, जो तार फेंसिंग होती है, जो कटीले तार लगाए जाते हैं, वो भी खेतों में नहीं लगाए गए हैं। लोगों को लाभ हुआ, जाके रात में रखाने नहीं जाने पड़ रहा है और सो रहे आराम में, ऐसी ठंड में को रखा रहा हो तो गौशाला अच्छी चल रही, मैंने घास आस में ला खूब, किसान खूब सो रहा हो, ठंड में बढ़ गया है। अब खेत पे नहीं जाना पड़ता, नहीं पड़ रहा अब जाना, हम किसान हैं, सब लोग किसान ही हैं, जातन में बेचारे आराम में रह रहे, ठंड में रह रहे, गौशाला में खूब भसोस गिर लाओ हारो चारो। जब ये गौशाला नहीं बनी थी तब क्या स्थिति थी? जब स्थिति रहती किसान सो नहीं पाओ तो खेतरी रखाओ, मर गए क्यों तो फांसी लगा लगा के, इनके चर गए बेचारे इनके। जो गौशाला में हर साल गैया भूखा मर जाती, इनके नाम विशेष सुविधा, कहीं कोई छोटा जानवर दिखाई नहीं दे, सब जो है अंदर है, भरपेट भोजन मिल रहा हो तो वहीं अपने आनंद से हैं, और काफ़ी समय से हैं बराबर चारा मिल रहा हो, उनकी मृत्यु दर कम हो गई नहीं, बहुत जानवर मर जाते हैं। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है आपके गांव में चेलो इंडियन गैस चुरपी रोड जालौन की गाड़ी आ चुकी है। तो चाची समय आ रहा, कार्ड अगर आपको बनवा हुआ है भाई बताएं, अगर कार्ड आपको हुआ है, अगर वहाँ बनाया हुआ है तो जो आपको लाभ मिलने हुआ है वो तो मिल जाए, फिर कार्ड भले ही आपके हाथ में ना हो। अच्छा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर वहाँ से रामलास को भाई को बुलाओ, भाई फोन करती हैं। जो हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान है अमित प्रधान, उनका नेम है जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पहले प्रधान थे उनसे कई गुना बेहतर काम किया है उन्होंने, अभी जो आठ महीने हुए उन्हें प्रधान बने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है, अभी गौशाला ही बनवाई है और भी अच्छा काम, मतलब बहुत कुछ करवाया उन्होंने, जो पहले प्रधान थे उनसे बहुत अच्छा काम, हमारे गाँव के लिए प्रधान बहुत अच्छे हैं। हमारी कोशिश है समावेशी विकास की, और समावेशी विकास में जब तक शिक्षा को आप शामिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो शिक्षा में उसकी गुणवत्ता सुधरे, बच्चों की उपस्थिति बढ़े और उनका पढ़ाई लिखाई में खेल कूद में भी मन लगे, तो मेरी कोशिश है कि उनका भी बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मैंने भी कोशिश की है कि हफ्ते में एक दिन मैं एक क्लास यहाँ लेता हूँ और बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान और समाज से जुड़ी चीज़ें उनको बताने की कोशिश करता हूँ, डेढ़ दो घंटे की क्लास लेता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया जाए। तो सिर्फ इस विद्यालय में क्लास लेते हैं, जो आपने बताया कि हमारे यहाँ तीन स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें भी जाते हैं? देखिए, इसमें चूँकि कक्षा 8 तक का है, ये पूर्व माध्यमिक है, तो यहाँ पर बच्चों को वो सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को बताने में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे भी रुचि लेते हैं। मेरी कोशिश है कि बच्चों को आत्मनिर्भरता की तरफ थोड़ा सा मोड़ा जाए, और मैंने अभी शुरू किया है कि ये फूल लगे हुए हैं, तो मैंने बच्चों से एक दिन कहा कि बताइए मिड डे मील में आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने फरमाइश की कि बोले प्रधान जी मटर पनीर बननी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है मटर पनीर इंतजाम होगा अगली बार, लेकिन मीठे का इंतजाम आप स्वयं करेंगे, तो बोले कैसे, हमने कहा ये फूल लगे हैं ये तोड़ के आप हमें दीजिए, हम इसको बेचेंगे और इससे फिर हम रसगुल्ले या कुछ मिठाई लाएंगे, तो उन्होंने हमें दिए और एक दिन के करीब 150-200 रुपए के ये फूल बिक गए थे। कोशिश है कि ये रूटीन हम करें, तो धीमे धीमे बच्चों को खेल कूद में इसी टाइप की एक्टिविटी में शामिल करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ, उनके सर्वांगीण विकास की तरफ मोड़ना है।